बच्चों, मेरे पास एक बर्तन है और मेरे हाथ में एक 5 रुपए का सिक्का है। अब इस सिक्के और इस बर्तन की सहायता से मैं आपके सामने एक मजेदार क्रियाकलाप करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सिक्के को इस बर्तन में डालते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं, आपको इस बर्तन में ये सिक्का बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि अब हम कैमरे को इस सिक्के से धीरे धीरे दूर करें तो आप देखेंगे कि ये सिक्का आपकी आंखों से ओझल होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये सिक्का आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इस बर्तन में पानी डालकर देखते हैं। मैं इस बर्तन में पानी डालती हूँ। धीरे धीरे हम इस बर्तन में पानी डालते जाएंगे। क्या अभी भी आपको ये सिक्का दिख रहा है? हम इसमें और पानी डालते हैं। अरे वाह, आप देख सकते हैं बच्चों, आपको सिक्का दिखाई देने लगा। तो बच्चों, आपने देखा, जैसे ही मैं इस बर्तन में पानी डालती हूँ, ये सिक्का आपको नजर आता है। पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बर्तन में जब हम पानी को डालते हैं तो इस सिक्के का आभासी प्रतिबिंब इस सिक्के के ऊपर बनता है, और हम जानते हैं कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब आपकी आंखों पर बनता है। है ना मज़ेदार? तो आप भी इस प्रयोग को ज़रूर अपने घर में करें।